जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाबा बर्फानी के दर्शनों से लौट रही बस पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले व शहीद हुए श्रद्धालुओं की घटना के विरोध में लुधियाना में हिंदू संगठनों ने अलग अलग जगह पर रोष प्रदर्शन करके केंद्र व मुफ्ती सरकार के पुतले फूके। इस अवसर पर हिंदू नेताओं ने कहा कि आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके बेहद ही कायराना हरकत की है, इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी व जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार जिम्मेदार है। जो हमारे अमरनाथ यात्री हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो हमेशा ही ये पाकिस्तान ये घिनौनी हरकत करता है। पहले पिछले साल हमारे लंगर कमेटियों को इन्होंने टारगेट किया, इस बार रात बस को टारगेट किया जिसमें हमारे साथ शिव भगत शहीद हो गए। हमारी चेतावनी है कि इस बार जो कश्मीरी हमारा सर्दी का सीजन होता है, अगर लुधियाना में सीजन लगाने आएंगे तो उनको वापस कश्मीर की तरफ भगाया जाएगा, अगर नहीं जाएंगे तो गोलियों से भूना जाएगा। पंजाब के अंदर किसी भी कश्मीरी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाएगी और पंजाब के अंदर जितने भी कश्मीरी मुस्लिम रह रहे हैं, चाहे वह व्यापार करने के लिए आते हैं चाहे किसी वजह से आते हैं, उनको पंजाब के अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाएगी और जो रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और इस मामले के विरोध में शुक्रवार को पूरे विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर पंजाब बंद की कॉल करी है। हम सारी जत्थेबंदियों से अपील करते हैं, सामाजिक अदारों से, व्यापारिक अदारों से, इस बंद को सफल बनाने में हमारा साथ दें, क्योंकि ये पूरा मानवता का कत्ल है। इसको इसमें साथ दे के पूरी मानवता को बचाव करने में हमारा सहयोग। चेतावनी दें समुचे आतंकवाद को और पाकिस्तान को भी जेकर अमरनाथ यात्रा पर हम दोबारा तुरन की भी कोशिश की तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। यह समाज सुता जरूर है पर मरिया नहीं है। और जी शुक्रवार को समुचे हिंदू संगठना की पंजाब बंद जी कॉल है, साड़ी शिवसेना हिंदुस्तान के जेडे राष्ट्रीय प्रमुख श्री पवन कुमार गुप्ता जी के दिशा निर्देशों के उत्ते इस बंद की कॉल को कामयाब बनाया जाऊगा और जिथे तक भी संघर्ष करने की लड़ पी डट के संघर्ष किया जाऊगा। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा के साथ कुलबीर राही की रिपोर्ट।